हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं इग्नू के MEG की प्रिपरेशन कैसे करनी है अच्छे से मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने उसमें एडमिशन ले लिया होगा मास्टर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इग्नू के थ्रू, इसीलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि इट गेट्स ओवरवेलमिंग कि हम प्रिपेयर कैसे करें, शुरू कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो MEG 1 का फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग पहले बुक खोलेंगे, पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे आपका सारा कॉन्फिडेंस वहीं डगमगा जाएगा और आप आगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जबकि एक्चुअली इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन इट आगे जाके वो और ईजी हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी जानती हूँ कि हम लोग सब डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली आपकी फैमिलीज हैं, आपके घर हैं, आपके जॉब्स हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है जितना एक रेगुलर स्टूडेंट दे सकता है। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, पास होना है, और मिनिमम टाइम में दैट इज़ 2 साल में हमें अगर इग्नू से पास होना है तो जो भी टाइम, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं उसी से मैक्सिमम जो भी कुछ है उसमें हमें मैक्सिमम प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मैंने इस बार जितने भी टिप्स यहाँ पे इस वीडियो में शेयर किए वो उन्हीं सब लोगों के लिए जिनके पास उतना टाइम नहीं है, जो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रेगुलर उतना पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं और आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आई होप अगर आप ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो ऑब्वियसली एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो जो है ये मैंने ओवरऑल सारे चारों सब्जेक्ट के लिए बनाया है, ये चीज़ें आप चारों पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से भी एक वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैं यहाँ शेयर करूँगी, तो आप हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप उस तरीके से कैसे प्रिपेयर करें वो भी मैं आपको बताऊँगी उन वीडियोज़ में। ओवरऑल इग्नू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए ये वीडियो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेबस जो है इग्नू का वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते हैं, एक साल के अंदर आप उतना पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये रेगुलर नहीं है, डिस्टेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कि आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सब कुछ है लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको कोर्स वाइज पढ़ाई करनी है, जैसे कि नॉवेल्स, अगर आप ब्रिटिश नॉवल MEG 3 की बात करेंगे तो अगर आपने 9 में से 6 नॉवल भी अगर प्रिपेयर कर ली तो इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर आप ड्रामा में कोई ड्रामा छोड़ने की कोशिश करेंगे दैट वुड बी अ मिस्टेक। ऐसे ही पोएट्री में भी अगर मान लीजिए एक यूनिट है उसमें 4 या 5 पोएट्स के बारे में बताया हुआ है और उनकी पोएम्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा मैं छोड़ सकती हूँ, या इन दोनों में से कोई एक प्रिपेयर किया तो भी चलेगा। इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ज़रूर रेफ़र कीजिए, उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बार बार रिपीट होते हैं। उसके अलावा हमें पैटर्न के बारे में पता चलता है, क्योंकि यूजुअली स्कूल में कैसा होता था कि हमने एक पोएम पढ़ी, उसकी समरी आ गई या उसकी एनालिसिस आ गई, एक पैराग्राफ दे दिया, इसको एनालाइज करो, बात खत्म। MEG में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपको कुछ उल्टा सही सवाल पूछेंगे कि बताओ रोमांटिसिज्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि शायद हमने रोमांटिक पोएम्स पढ़ी है लेकिन उसके बारे में स्पेसिफिक कुछ नहीं है, या इस मूवी से या इस पोएम से आपको आपके पर्सनली क्या ख्याल है, इस तरीके से एकदम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़े हुए हैं तो इट्स गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा ऑब्वियसली आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर बट असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको लाइटली मत लीजिए, यहाँ वहाँ से कॉपी करके उनको मत दीजिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये 4-5 वेबसाइट से यहाँ से लोग कॉपी करके दे रहे हैं, तो उन्हें अगर वो आंसर मिले तो वो उन्हें पता है कि आप चीटिंग करके दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। नेक्स्ट वन कम्स इज सोशल मीडिया। तो हम लोग सब ऑब्वियसली अपने टाइम को बचाने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करते हैं कि नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब एंड ऑल, लेकिन एक्चुअली आज के टाइम पे स्पेशली अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल मीडिया को आप अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। बहुत सारे फेसबुक पेजेज़ हैं जहाँ पे अगर आप उनका एक पार्ट बनेंगे तो रेगुलर उनके क्वेश्चनेयर्स होते हैं, लोग अपने अपने डाउट्स डालते हैं, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। इनफैक्ट इग्नू ने खुद अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, उनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड बहुत सारे टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेना चालू किया, आप अगर वो क्लासेस ज्वाइन करेंगे उसके थ्रू आपको सोशल मीडिया में फेसबुक से लेके फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स और दूसरे ईमो वगैरह पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे टीचर्स शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो आप अपने हिसाब से, आपकी जो बैच है उसके हिसाब से आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। प्लस एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 100, 150, 200 लोग हो जाते हैं, तो आप लोग सब एक दूसरे के डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, विच विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अब अगर मैं नेक्स्ट आऊँ तो इतनी सारी बुक्स है, इतनी सारी पोएम्स, इतनी सारी नॉवेल्स, ड्रामास, पढ़ेंगे कैसे? इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि रोज़ आप काम से आएंगे उसके बाद आप 2 घंटा लैपटॉप खोल के या बुक्स खोल के पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि उतना टाइम मुझे पता है आप काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, घर है, फैमिली है, खाना बना के, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो हमें जो हमारे पास थोड़ा थोड़ा टाइम है, जो दिन भर में काम पे जाते हुए भी थोड़ा थोड़ा टाइम है, उसको हमें यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। बेस्ट सजेशन मैं दूंगी, अपने फ़ोन में PDF डाउनलोड कीजिए बुक्स की, स्पेशली नॉवेल्स। जो आपको नॉवेल्स पढ़नी है MEG 3 में, वो नॉवेल्स की, ड्रामा की, आप PDF डाउनलोड करके रखिए। आपको काम पे, कहीं ट्रैवल करते हुए, जहाँ टाइम मिले PDF पढ़िए। लेकिन अगर आप बस में हैं या ऑटो में हैं और आपको पढ़ने में परेशानी है, ऑडियो बुक्स डाउनलोड कीजिए प्लीज़। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ऑडियो बुक चल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज़ आप डाउनलोड कीजिए। थोड़ी देर में आपको समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। और ऑडियो बुक्स के थ्रू मैंने इतनी जल्दी इतनी सारी बुक्स रीड की जो कि मैं पहले 6-7 महीने में नहीं कर पाई, क्योंकि बैठ के बुक खोल के बैठने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं काम पे जाते हुए मैंने रोज़ आधा घंटा सुनी, और आते हुए रोज़ मैंने 1-1 घंटा अगर बुक सुनी, 5-6 घंटे में एक बुक आपकी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो आपका MEG 3 जो है, आपकी सारी की सारी नॉवेल्स तो ट्रैवल करते हुए 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगी। फिर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इट वॉज़ रियली हेल्पफुल। इसके अलावा अपने मोबाइल में, सिर्फ लैपटॉप में बैठ के पढ़ने के लिए नहीं, मोबाइल में डाउनलोड कीजिए e-readers। अगर आपको मोबाइल से पढ़ने में परेशानी है तो e-readers जैसे कि Kindle है, Kobo है, बहुत सारे e-readers आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो कि सस्ते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से देख लीजिए, अगर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है दैट ऑल्सो इज़ ओके। तो e-readers से आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं आएगा और आप अपनी किताबें पढ़ पाएंगे। इसके अलावा मूवीज़, गूगल का यूज़ कीजिए, यूट्यूब का यूज़ कीजिए। जो हमारे ड्रामास हैं वो ऑब्वियसली ड्रामास रीड करने के लिए नहीं लिखे गए थे, वो ड्रामास लिखे गए थे कि उनको देखा जाए। तो आपको मैक्सिमम जो ड्रामास हमारे सिलेबस में हैं उनकी मूवीज़ ईजीली आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगी। यूट्यूब पे ना मिले तो गूगल पे डालिए, वहाँ से भी आपको आराम से सारे ड्रामास मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें देख लेंगे तो आपको रीड करने में फिर परेशानी नहीं होगी। इफ़ पॉसिबल गो फॉर ड्रामाज विथ सबटाइटल। तो आपको समझ में आता रहेगा कि जो आपके RCT टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें आपको आसानी होगी। और वहाँ से ड्रामा देखने के बाद अगर आप रीड करेंगे तो आपको सब कुछ ध्यान में रहेगा, समझ में आता जाएगा। इसके अलावा मेरा एक और टिप रहेगा कि आप सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ अपडेटेड रहिए। कीप चेकिंग ऑल द डेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। असाइनमेंट की डेट्स, रीसबमिशन की डेट, रीरजिस्ट्रेशन की डेट, सारी डेट्स टाइम टू टाइम देखते रहिए। इवन दो IGNOU जो है वो बहुत सारी डेट्स एक्सटेंड करते रहते हैं। लाइक अगर उन्होंने 10 तारीख को बोला है तो वो ईजिली अगले महीने का 10 तारीख हो जाएगा। लेकिन आप लास्ट मिनट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी तरफ से पहले वाला डेडलाइन ही मान के चलिए और हर चीज़ टाइम के पहले सबमिट कीजिए, ताकि आपको बाद में कुछ प्रेशर ना रहे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप स्टडी तो बहुत ही अच्छा होता है, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि हम सब इंडिविजुअल काम करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ग्रुप अगर आपको कोई मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो सेल्फ स्टडी पे रिलाई कीजिए। आप अपने आप को पढ़ाइए और सारे नोट्स वगैरह खुद से प्रिपेयर करके रखिए, दूसरे पे किसी पे डिपेंड ना रहे। तो सेल्फ स्टडी का इम्पोर्टेंस आप सब स्कूल टाइम से ही जानते होंगे। तो खुद से अपने नोट्स बनाइए, लैपटॉप पे नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कॉपी पेन नहीं मिल रहा है तो जहाँ जैसे पढ़ रहे हैं, जब आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, रीड करें, उस टाइम पे आपको लगा कि इस नावल में कुछ इंपॉर्टेंट है, वहाँ के वहाँ उसको मार्क कर लीजिए, फ़ोन में लिख लीजिए, फ़ोन में कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए। बाद में आके अपने कॉपी पेन में, आपकी कॉपी में बुक्स जो है वहाँ पे लिखिए। तो अब आपको खुद से पढ़ाई करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके अलावा एक बहुत मैं अच्छा सजेशन आपको दूंगी कि जो आपके तीनों, स्पेशली चौथा तो नहीं, आपका MEG 1, 2 और 3 कि जो राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स और ड्रामेटिस्ट जो भी, उन सब का एक लिस्ट बना के रखिए। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका वो कौन से एरा के थे, उस टाइम पे क्या चल रहा था, वो किस टाइप के पोएट थे, वो मेटाफिजिकल पोएट थे या वो कन्फेशनलिस्ट पोएट थे, किस तरीके के पोएट थे, उनके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आप एक पेपर पे या फिर आपके लैपटॉप में या कहीं पर भी एक जगह पर सारा इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट एक साथ रखेंगे तो आपको बाद में उसको अलग से याद करने की, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, तो आप वहाँ से निकाल लीजिए। इसके अलावा मैं वापस आपको कहूँगी कि सोशल मीडिया को यूज़ करना है, यानी यूट्यूब पे आपको मैक्सिमम हर चीज़ की समरी, एनालिसिस, क्वेश्चन आंसर्स, डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट, आपको हर चीज़ मिल ही जाएगी। आपको सिर्फ ढूंढना है और आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आपको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, उनको सुनते जाइए, मे बी आप काम पे जाते हुए सुनते जाइए, तो कोई भी बुक, चैप्टर, पोएम कुछ भी प्रिपेयर करने से पहले, आप अपना सेल्फ स्टडी से पहले अगर आप उसकी एनालिसिस वगैरह समझ लेंगे यूट्यूब चैनल्स पे या फिर गूगल पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हर पोएम का, इन सब चीज़ों का अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, इंटरनेट का अच्छे से यूज़ करेंगे, तो आपके लिए MEG प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको दो चीज़ें और याद दिला दूँ कि IGNOU की बुक्स का बिल्कुल वेट मत कीजिए। अगर आपने बुक्स के लिए ऑप्ट किया है और आप सोच रहे हैं कि जब मेरी बुक्स आएगी तब मैं पढ़ाई करना चालू करूँगा, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट। आप लिटरली फेल हो जाएंगे। सो डो नॉट वेट फॉर द बुक्स। आपके पास जो भी बुक्स हैं, लैपटॉप, फ़ोन से पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और आपके पास जो भी लैपटॉप या फ़ोन है उससे पढ़ाई करना शुरू कीजिए। उसके अलावा आप चाहे तो दूसरे ऑथर्स के, दूसरे जो पब्लिकेशंस हैं उनकी बुक्स मिलती हैं, उनको ऑर्डर कीजिए, उससे पढ़ाई करना शुरू कीजिए। और नहीं तो इंटरनेट पर जो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, PDF वगैरह हैं, उनको डाउनलोड कीजिए और पढ़ाई चालू कीजिए। बट IGNOU की बुक्स का वेट तो बिल्कुल मत कीजिए। इवन दो द स्टडी मटेरियल इज़ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग एंड जस्ट इनफ फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स, बट वो टाइम पे कभी नहीं आएगा, तो उसका वेट बिल्कुल मत कीजिए। तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करें और आप सोच रहे हैं कि मैं ऑनलाइन कैसे नोट्स बनाऊँ, तो आपके पास गूगल डॉक्स है, आप वहाँ पे जो भी कुछ सेव करेंगे वो सेम चीज़ आप अपने मोबाइल पे भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह वो नोट्स या वो वर्ड पैड का वो फाइल लेके आपको हर जगह घूमना पड़ेगा। ईजिली आप वहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने लैपटॉप से या मोबाइल से पढ़ते हुए अपने कॉपी पेन पे भी नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ये सारे नोट्स जो है वो PDF फॉर्म में सेव करके अपने फ्रेंड्स के साथ ईजिली शेयर भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन नोट्स बनाने के कितने फ़ायदे हैं। आपका सिर्फ आपका अकेले का बेनिफिट नहीं होगा, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा। तो ये कितनी अच्छी बात हुई। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास लाइब्रेरी है आसपास कहीं, तो लाइब्रेरी कार्ड के लिए प्लीज़ एनरोल कीजिए और उसका एकदम प्रॉपर यूज़ कीजिए। अगर आपको थोड़े बहुत पैसे देने भी पड़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बुक से गैदर कर पाएंगे, जहाँ आपको सारी बुक्स आपको रीड करने के लिए मिलेंगी, प्लस रिलेटेड बुक्स रीड करने के लिए मिलेंगी, मे बी जो आपकी रिसर्च में कहीं थोड़ा बहुत काम आ जाए। तो अगर लाइब्रेरी कहीं है तो बिल्कुल एनरोल कीजिए और उसका बहुत मैक्सिमम यूज़ कीजिए। MEG की पढ़ाई शुरू करने ही वाले हैं अब, तो आई विल सजेस्ट कि आप सडनली MEG 1 की शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट विद नॉवेल्स, दैट इज़ MEG 3, क्योंकि नॉवल पढ़ना काफ़ी आसान है। शुरू में उसकी समरी वगैरह पढ़ के आप बुक पढ़ना चालू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। उसके बाद आप MEG 2 पढ़िए, फिर MEG 1 पे आइए, क्योंकि उसके लिए आपको ऑलरेडी आपका माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भाई अब मुझे पढ़ना है, ये चीज़ें डिफिकल्ट होने वाली हैं, बट एट द एंड सब आसान हो जाएगा। और MEG 4 जो है उसके लिए सिर्फ आप क्वेश्चन पेपर अगर पुराने पढ़ना चालू करेंगे और IGNOU की बुक से ही रेफ़र करेंगे ना, तो भी आपको MEG 4 में अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। तो मैं आपको एक क्विक रिकैप देती हूँ वापस। सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। हर कोर्स का अलग अलग पढ़ाई आपको करना है, हर कोर्स के हिसाब से। डो नॉट वेट फॉर IGNOU बुक्स एंड गेट अ लाइब्रेरी कार्ड इफ पॉसिबल। पुराने क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट को ध्यान से बनाना है। सोशल मीडिया का हमें पॉजिटिव यूज़ करना है। PDF, ऑडियो बुक्स, मोबाइल, e-रीडर्स और मूवीज़ के थ्रू पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स पे अपडेटेड रहना है। और अब हमें ग्रुप स्टडी नहीं, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, क्योंकि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। फिर सारे राइटर्स, पोएट्स और ड्रामेटिस्ट की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हिस्ट्री के लिए अलग से नोट्स बना के रखने हैं। यूट्यूब पे समरी, एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सबको हमें अच्छे से यूज़ करना है। और अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो MEG 3, फिर MEG 2, 1 और लास्ट में 4। इसके अलावा मैं हर वीडियो के लिए अलग अलग, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगी, जिसकी की लिंक मैं यहाँ शेयर करूँगी। आप वो सब देख के अपने आप वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप इजीली, अच्छे से, बिना स्ट्रेस लिए अच्छे मार्क्स ला सकें। आई होप दिस वाज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।